मैंने उससे पूछा आर यू अ मुस्लिम उसने जो मुझे जवाब दिया उस जवाब ने मुझे मजबूर किया कि मैं किसी तरह वहाँ रुकना तो दूर की बात है मैं सोच भी नहीं सकता वहाँ रुकने का मैंने जिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे काम किया है उसको आर्फ टू थ्री कहते हैं उस कैंसर में उसका बड़ा रोल है यू में यूके में कैनेडा में ऑस्ट्रेलिया में और गल्फ कंट्रीज में हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी डिमांड कज़न मैरिज़ को हमारे मेडिकल टर्म में कन्सेंगूनिटी कहते हैं hmm. और डिस्करेज की जाती है मेडिकल प्रोफेशन में आई वेंट टू इंग्लैंड विच इज अ क्रिश्चियन कंट्री क्रिश्चियन मज़हब में कज़न मैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं है और वो कन्सेंगूनिटी को लेते हैं एज इंसेस्ट ठीक है तो ये जंजीर बनाना जो है इसकी इसको शरीय ने भी डिस्करेज किया है कि जंजीर ना बनाओ रोबोटिक्स तो ऑलरेडी इन हो चुकी है खासतौर से एस में uh -huh. और ए का काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है असलम एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आम आदमी पॉडकास्ट दोस्तों पाकिस्तान आजकल एक शदीद किस्म के ब्रेन ड्रेन के फेस से गुजर रहा है ब्रेन ड्रेन है क्या ये एक ऐसा फिनिना है जिसमें किसी भी मुल्क के स्किल्ड लेबर जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना शुरू कर देते हैं लाइक like हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है मेडिकल प्रोफेशन की हमारे यहाँ तकरीबन बत्तीस हजार डॉक्टर्स एवरी ईयर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इसमें से आधे डॉक्टर्स वो हैं जो बाहर चले जाते हैं ये हाल सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन का नहीं है इंजीनियर्स भी हम तकरीबन साल में पचास हज़ार प्रोड्यूस करते हैं और उनका भी वही हाल है कि वो भी आधे से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और मेरा ये ख्याल है कि जो लोग यहाँ पर रह जाते हैं उनके यहाँ पर रहने की वजह भी या तो लैक ऑफ रिसोर्स या फिर उनकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और उल्टी गंगा बहने पे यकीन करते हैं इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की उसके बाद यूके चले गए और फिर कुछ ही अरसे में वापस पाकिस्तान आ गए इनकी लाइफ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है मेरे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर समीर कुरैशी ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक पैथोलॉजिस्ट एक न्यूरोलॉजिस्ट एक क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटर और एक मेडिकल एजुकेटर भी हैं और साथ साथ माशाल्लाह से हाफज़ कुरान भी हैं सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गो एंड चेक आउट दिस अमेजिंग कन्वर्सेशन अलैक् डॉक्टर साहब वाले क्या हाल चाल है आपके अलहमद सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस एपिसोड के लिए इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आपका शुक्रिया आपने इनवाइट किया तो मुझे ये बताएं समीर के कहाँ से आपकी अर्ली लाइफ से शुरू करते हैं आप ये बताएं कि एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूलिंग देन मेडिकल एजुकेशन इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कहाँ से आया मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की थी जद्दा सऊदी अरेबिया में वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी का स्कूल होता था और जो कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल के नाम से है तो वहाँ मैंने सेवन क्लास तक पढ़ा फिर अबू जो हैं वो जॉब वाइंड अप करके फिर उन्होंने फैसला किया कि अपने ही मुल्क वापस आएँगे तो फिर यहाँ आके एजुकेशन कंटिन्यू की स्कूल में कराची पब्लिक स्कूल्स उसके बाद फिर इंटर किया इंटर के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया क्योंकि अबू की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी ख़ानदान पूरा डॉक्टरों का है तो फिर डॉ मेडिकल कॉलेज से एम किया और उसके बाद फिर एच की फॉरेन स्कॉलरशिप पे सेलेक्ट होके फिर okay. इंग्लैंड से पीएचडी किया ओके okay. तो इस सारे टाइम के दौरान आपका आपका कॉलेज कौन सा था जहाँ जहाँ पे आप गए थे आफ्टर कंप्लीटिंग योर यट्रिकुलेशन आदम जी साइंस कॉलेज आदम जी साइंस कॉलेज था तो ये इस इस सारे प्रोसेस में आप जब पाकिस्तान से बाहर भी गए और पढ़ने के लिए गए तो बिलखसूस ये हमें बताएं कि जब आप पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए गए तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी कि आपने वहाँ पर पढ़ के जॉब ले सेटल हो जाना है या फिर वापस शुरू से ही इरादा करके गए थे कि भाई वापस पाकिस्तान आना है देट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली मैं पीएचडी uh, एच का इरादा यहीं से था uh -huh. पाकिस्तान से करने का था लेकिन ये फॉरेन स्कॉलरशिप का जब मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था एच का और उसमें लिखा ये था कि uh, वापस आके पी करके आपको डॉ मेडिकल कॉलेज में या डॉ यूनिवर्सिटी में जॉब करना होगी एंड डेट वॉज माई ड्रीम के अपने ही मदर इंस्टीट्यूशन में से ताली हासिल करने के बाद अगर उसी की खिदमत का मौका मिल जाए तो ये एक प्रेस्टिज है तो सिर्फ इस शौक़ में कि वापस आके डॉ मेडिकल कॉलेज की खिदमत करेंगे तो आ, मैंने उसके लिए अप्लाई किया एक और सेलेक्टेड और शुरू से ही जहन में यही था कि वहाँ सेटल नहीं होना है और तालीम हासिल करके वापस आना है और चूँकि उसमें फाइव ईयर्स का बॉन्ड भी होता है कि वापस आके कर फाइव ईयर्स कंट्री को सर्व करना है तो वो बॉन्ड भी पूरा करना था अच्छा तो जहर के किसी कोशे में नहीं था कि वहाँ सेटल होना है अच्छा तो मतलब आजकल जिस तरीके के समीर हालात हैं तो हमें तो यही नज़र आता है कि आजकल हर बंदा जो कि पास आउट हो रहा है किसी भी इंस्टीट्यूशन से नॉट ओनली डॉक्टर्स बट किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से अगर कोई पास आउट होता है तो हमें देखने में यही होता है कि उनकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ये सोच के चल रहे होते हैं कि जी हमें बाहर जाना है पाकिस्तान से पढ़ लिख लिया अब पाकिस्तान से बाहर जाना है या इवन हमें हायर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जाना है और फिर वहीं सेटल होना है आजकल के हालात के हिसाब से बिल्कुल साथ। तो लेकिन उस वक्त जिस वक्त आप बाहर गए डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है ये तो शुरू से मशहूर है कि इस मामले में इसमें आजकल के पाकिस्तान के हालात से अगर हम हटा, हट भी जाएं थोड़ी देर के जी, लिए जी। तो भी डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है उसमें लोग बाहर बहुत जाते हैं शुरू से जाते हैं तो आपके साथ क्या ऐसे वाकत हुए एक तो आपने बताया कि ये चीजें थी लेकिन फिर भी लोग बाहर जाके सेटल होने के लिए बड़े पापड़ बेल लेते हैं जी तो आपके साथ ऐसा क्या वाक़ हुए या ऐसी क्या सिचुएशन बनी उस वक्त कि आप वापस पाकिस्तान आए और फिर सेटल हुए पाकिस्तान सही मेरा जो फाइनल ईयर था पीएचडी का जब मैं थीसिस का राइट अप कर रहा था तो उस दौरान जो है मेरे पीएचडी सुपरवाइज़र का बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझ पर बढ़ा कि भाई आप यहीं सेटल हो जाए और यू को आपकी ज़रूरत है आपके टैलेंट की आपके स्किल्स की प्लस वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसका भी बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर था आ, क्योंकि अलमदिल्ला हाफिज़ होने की वजह से तरावी का अहतमाम और नमाज जुमा का भी मौका मिलता था खुतबा वगैरह का और तो मुस्लिम कम्यूनिटी का भी उन्होंने काफ़ी इंसस किया था इस तरहार था, था उनका कि आप यहीं रुक दें तो जब मैं ये फ़ैसला कर ही रहा था कि आखिर अब करना क्या है रुकना है या वापस जाना है लेकिन चूँकि जहन में पीछे यही था कि वापस जाके बॉन्ड पूरा करना है मैंने थीसिस राइटिंग के दौरान एक पार्ट टाइम जॉब की थी Okay. डोमिनोज पिज़ा में अच्छा हाँ और यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड भी ये था थीसिस लिखने वाले कैंडिडेट्स के लिए कि आप ये पूरा टाइम थीसिस लिखने में ना गुजारें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी होना चाहिए टू रिलीव द स्ट्रेस क्योंकि वह बहुत स्ट्रेसफुल काम है okay. थीसिस लिखना तो शाम में घर के करीब भी था उनको ज़रूरत थी तो एक शाम जरा काम कम था डोमिनोज पिज़्ज़ा में तो हमारा जो मैनेजर था उसने मुझे और मेरे साथ एक और गोरा लड़का था हम दोनों का कह के भाई तुम बॉक्सेस बनाओ क्योंकि अभी ऑर्डर्स हैं नहीं।, नहीं तो वहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा में जो नेम बैज है वो लगाना बड़ा ज़रूरी होता है आइडेंटिटी के लिए कि आप कौन हैं तो मेरा चूँकि फ़र्स्ट नेम मोहम्मद है मोहम्मद समीर खुरीशी मिडिल नेम वहाँ लिखते नहीं है फैशन नहीं है फ़र्स्ट और थर्ड नेम लिखते हैं तो मेरा तो मोहम्मद कुरैशी लिखा हुआ था अब जो मेरे बराबर वाला था उसका नाम था जोसेफ रहमान तो दस मिनट तक तो मैं सोचता रहा कि यार ये आधा नाम इंग्लिश है आधा नाम मुस्लिम है तो पता नहीं ये क्रिश्चन है या मुस्लिम है तो दस मिनट तक हम बॉक्सेस बनाते रहे फिर मुझसे रहा नहीं गया मैंने उससे पूछा आर यू अ मुस्लिम उसने जो मुझे जवाब दिया उस जवाब ने मुझे मजबूर किया कि मैं किसी तरह वहाँ रुकना तो दूर की बात है मैं सोच भी नहीं सकता वहाँ रुकने का उसने मुझसे कहा कि नो आई एम नॉट बट माई ग्रैंड फ़ादर तो मैंने वहीं खड़े खड़े मैंने ये फैसला किया कि कल को खुदाना खास्ता मेरी नस्ल में कोई डेविड कुरैशी या पीटा कुरैशी निकल आया तो कहीं ख़ुदाना खास्ता कयामत के दिन मुझसे इसका सवाल ना हो कि ये इस वजह से हुआ है कि आप यहाँ रुक गए थे बिला जवाज़ जबकि आपके मुल्क में आपको इतनी परेशानी थी नहीं तो मुझे फिर आके मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया तो वाइफ़ ने भी कहा कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है हमारे लिए मुनासिब नहीं है हमारी नस्लों के लिए मुनासिब नहीं है कि हम वहाँ रुकें तो, तो उस वक्त आप विद फैमिली वहाँ पे मौजूद थे मैं हाँ मैं, मैंने मैंने मेरी फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया था डेढ़ साल बाद जब मैं वहाँ गया था तो उस वक्त मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही थी ओके तो फिर हम लोग सब वापस आ गए थे पी कंप्लीट करते ही वापस आ गए थे ओके तो ये ये वो वाक़ था जिसने बेसिकली आपको मोटिवेट किया जी कि आप वापस पाकिस्तान आए हाँ मोटिवेट वंस एंड फॉर ऑल हाँ आ, ये हाँ। एक ऐसा जवाब था उसका और ये आप मेन यूके में, में, में लंदन में हुआ करते थे उसको मैं साउथ यॉर्कशायर शेफील्ड में था तो मैंने जो पीएचडी किया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के क्रैब्स इंस्टीट्यूट से किया है जहाँ सर हैंस क्रैब ने बड़ी मशहूर बायोकेमिस्ट्री की क्रैब साइकिल डिस्कवर की थी और उस पर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था ओके तो समीर अब तो भाई वापस पाकिस्तान आ गए कितने कितने साल हुए इस बात को कि तो, जनवरी ज्वाइन कर ली थी कि अगर हम ये भी सोचें कि आप जनवरी टू में भी पाकिस्तान थे तो अभी भी आपको अराउंड कोई ग्यारह बारह साल बारा, अब हो गए तो इस दौरान पाकिस्तान के अंदर भी काफी ऊपर नीचे चीजें आपने अप्स एंड डाउन पाकिस्तान में भी देखे जो कि हर फील्ड के अंदर नजर आए कोई स्पेसिफिक एक फील्ड नहीं तो आज कुछ दिल में ऐसा रिग्रेट होता है कि यार मैं अगर ना आता तो बेहतर था या मैं वहाँ सेटल हो जाता तो बेहतर था नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान रहा पीएचडी से पहले और पीएचडी के बाद भी वापस आने के बाद भी आ, मुझे डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में तरक्की का काफ़ी मौका मिला टीचिंग के साथ साथ और दीगर एक्टिविटीज़ हैं रिसर्च हैं एडमिनिस्ट्रेशन है मैं अलहमदिल्ला इस वक्त फुल प्रोफेसर हूँ और मेडिकल टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल भी हूँ तो अलहमदिल्ला फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स या करियर प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ भी हैं मेहनत करने वाले के लिए तो और अलहमद ला यहाँ पर वापस आने का फ़ायदा ही हुआ कि मेरा बड़ा बेटा हाफिज़ा कुरान हो गया माशा अलहमदिल्ला और इस वक्त वो आई बी ए में फ़र्स्ट ईयर में माशा पढ़ रहा है और छोटा वाला जो है उसके उससे जो छोटा वाला है उसके तेरह पारे हो चुके हैं okay. अल्हमदिल्ला तो ही okay. okay. अलहमदिल्ला तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है एंड दैट वॉज द रिलीजन ऑफ 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 माई किड्स प्लस एजुकेशन ओके तो ओकेमीर ये बताएं कि आप वापस आए 2012 में uh, जी और 2012 से पहले आप आपकी शादी अर्ली एज में हो गई थी या फिर नहीं के नहीं के आप... मेरी शादी हुई थी मैंने ओके okay. हाउस जॉब की ये भी मुझे दो साल हो चुके थे तो ट्वेंटी सिक्स भी वैसे आजकल के टाइम के, के हिसाब से तो से एक हाँ। अर्ली एज ही काउंट हाँ। होती है कह लें हाँ अच्छा तो अब ये ये समीर बताएं कि हिफ्स का ख्याल आप आप माशाल्लाह से ख़ुद भी हाफिज़ हैं तो हिफ्स का ख्याल कैसे आया जहन में कि हिफ्स करना है और लेट आपने आपनेफ स्टार्ट किया अपनी के हिसाब से जिस तरह हमारे हाँ, नॉर्मली बच्चे शुरू कर देते हैं जी जी। आपकी उम्र उससे ज्यादा हो गई थी जी 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 बिल्कुल तो वो वो चीज़ हमें बताएं कि आपने हिफ्स कौन से ईयर में स्टार्ट किया और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्या थी उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट मास्क मैं खुद से नहीं बताना पसंद करता हूँ लेकिन जब कोई पूछता है तो फिर मैं तफसी मैं अलहमदिल्ला जब छोटा था तो मैं शुरू से ही अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और तो मेरी एकेडमिक प्रोग्रेस को देखते हुए मेरे वालदे ने जब मैं छोटा था ये फैसला किया था कि मुझे यूज़ कराया जाए तो जब उन्होंने वहाँ जद्दा में कारी साहब से बात की वो उस वक्त जद्दा में बेहतरीन कारी थे बंगाली थे लेकिन बट ही वॉज़ फ्लुएंट इन उर्दू एंड अरबिक एंड एन, एन बंगाली उन्होंने कहा कि तीन साल के लिए इस बच्चे का स्कूल छुड़ाना पड़ेगा जो कि आजकल भी है तो मेरे वाले ने कहा नहीं हम एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहते तो वो बहरहाल वो मामला दब गया जब मैंने आदम जी से इंटर कंप्लीट किया तो उस वक्त ये होता था कि एडमिशन टेस्ट तो होते नहीं थे एमडी कैट वगैरह ये चीज़ें नहीं थी जो आपका इंटर का रिज़ल्ट होता था उसकी बेस पे मेरिट लिस्ट बनती थी और फिर दाखिले होते थे लेकिन इंटर के एग्ज़ाम और एडमिशन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के दौरान काफ़ी लंबा पीरियड होता था शुरू में तो हमसे पहले तो वो पूरा एक साल होता था जिसको गैप ईयर कहते थे फिर वो कम होते होते आठ महीने हुआ फिर छः महीने हुआ जब हमारी बारी आई तो हमारे पास छः महीने थे आदम जी में प्री मेडिकल में हम सात लड़कों का ग्रुप ऐसा था जो हम ट्यूशन नहीं पढ़ते थे हम लोग ख़ुद ही पढ़ते थे तो आखिरी पेपर देने के बाद हमने पहले से तय किया हुआ था कि भाई आखिरी पेपर देने के बाद सेंटर के बाहर मिलना है इस्लामिया कॉलेज हमारा सेंटर पढ़ा था हम लोग गेट पे जमा हुए सात लड़के और हमने आपस में डिस्कस करना शुरू किया कि भाई अब छः महीने आ रहे हैं कौन क्या करेगा तो किसी ने कहा कि मैं शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखूंगा किसी ने कहा मैं कंप्यूटर के कोर्सेस करूंगा जब मेरी बारी आई तो मुझे तो आइडिया नहीं था क्या करना है लेकिन मैंने उस वक्त ये कहा मैं कोई ऐसा काम करना चाह रहा हूं कि वो मेरे आखिरत में भी काम आए तो लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ उनमें से एक ने यह कहा कि यार तुम हिफ्स क्यों नहीं करते तो मेरी हंसी निकल गई मैंने कहा यार छः महीने और उसमें हिफ़ कैसे होगा तो उसने एक बड़ी प्यारी बात कही उसने कहा तुमसे कौन कह रहा है कि तुम मुकम्मल हिश करो अल्लाह ताला के यहाँ एक नेकी का सिला जो है दस नेकियों के बराबर है तो मगर तीन पार भी कर लो तो तीस पारों का तुम्हें सवाब मिल जाएगा तो वो बात मुझे हिट कर गई मैं फिर उसी दिन वापस आया अपने मोहल्ले के जो मस्जिद के जो कारी साहब हैं मदरसे के उनके पास गया मैं उनसे मेरी दुआ सलाम थी पहले नमाज़ों में मुलाकात होती थी तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको अपना नहीं बताया मैं कहा मेरा एक दोस्त है जो कि उसके पास सिर्फ छः महीने में तो छः महीने में वो हिफ़्स करना चाह रहा है आप बताएं क्या ये मुमकिन है तो उन्होंने डांट के भगा दिया उन्होंने कहा अपने दोस्त से कहना कि ये नहीं हो सकता एक हफ़्ते बाद मैं फिर गया उनके पास मैं कारी का, साहब वो वो कह रहा है कि जितना आप वक्त कहेंगे वो देगा और जितना सबक याद करना होगा वो करेगा आप बस इतना बता दें रोज़ाना कितना पढ़ना है तो कारी साहब ने कहा कि एक पाओ पारा रोज़ाना हिफ़ करना पड़ेगा यानी चार दिन में एक पारा तब जाके छः महीने में हो जाएगा मैं कहा अच्छा ठीक है मैं उसको जाके बता दूंगा जब मैं थोड़े कदम आगे गया तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया उन्होंने कहा एक बात बताओ ये तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आता है तुम क्यों आते हो पूछने तो मैं कहा साहब वो लड़का मैं खुद हूँ तो वो हंसने लगे मुस्कुराने लगे कह लेंगे चलो ठीक है तुम आज मगरब के बाद से ही बैठ जाओ और मदरसों का असल में मामूली होता है कि हिफ्स के बच्चों को मग़रब के बाद हिफ़ का सबक देते हैं उस वक्त भूखे होते हैं तो उस वक्त जहन अच्छा काम करता है वो याद करते हैं फिर सुबह फ़जर के बाद वो सबक सुनाते हैं तो मैंने अलहमदिल्ला पहला जो पारा अच्छा मेरे हिफ्स की तरतीब बजी गरीब है तो मैंने पहला जो मुझे पारा दिया गया था उन्नीसवाँ था वो मैंने तीन दिन में हिफ़्स करके सुना दिया उनको अच्छा वैसे नॉर्मली तो तरतीब हाँ या तो शुरू से करते हैं या फिर आखिर से नॉर्म कामन ये है कि आखिर से करते हैं हाँ। मैंने पहला जो उनको पारा हिफ़ करके सुनाया वो तीन दिन में मुकम्मल हो गया उन्नीसवा पारा तो वो कह लेंगे भाई इतना इतना तेज़ नहीं करना है एक पाओ पारा रोजाना करो और जब एक महीने में इस हिसाब से एक महीने में साढ़े सात पारे बनते हैं लेकिन तुम पांच पारे करके रुक जाना और फिर को पक्का करना तो इस तरह से छः महीने में तुम्हारे तीस पारे हो जाएंगे अलहमदिल्ला और इस तरह से हो गए हाँ। अल्लाह का एहसान है तो मैं Uh, अपने हिफ़ का सहरा अपने उस दोस्त के सर देता हूँ हाँ। जिसने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि भाई आप तीन पारे कर लें तो आपको तीस पारों का स्वबा मिल जाएगा तो ये थी एक्चुअली मोटिवेशन ये थी हाँ लेकिन ये छः महीने का जो टाइम था इसमें ज्यादातर टाइम तो तुम्हारा यही होता होगा ना कि तुम मदरसे में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते नहीं चूंकि छः वो छः महीने मेरे पास और कोई काम ही नहीं था तो छः महीने में सिर्फ यही किया मैंने ओके मैंने सिर्फ हिफ़ किया तो भाई छः महीने के अंदर आपका हिफ़ हो गया इससे तो क्लियर इंडिकेशन हमें नज़र आ रही है ना सामने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपकी इंटेंशन बहुत साफ थी और लगन सच्ची थी लेकिन अब होता क्या है कि नॉर्मल जो बच्चे हमारे यहाँ हिफ्स कर रहे होते हैं वो भी एक टाइम ऐसा आता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक मदरसे में होते हैं तो छः महीने में हिफ्ज़ करने वाले बंदे के लिए कितना टाइम उसने मदरसे में दिया या कारी साहब को दिया या कितने टाइम में इस इस छः महीने के दौरान उसने कितना टाइम घर पे गुजारा और कितना टाइम उसने मस्जिद में गुजारा मेरा मामूल ये होता था कि मैं फजर के बाद अपना फ्रेश जो सबक याद किया हुआ है एक पाव वो पूरा उनको सुनाता था और और ये हमारा काम होता था इशराक तक इशराक के बाद ब्रेक होता था नाश्ते का और नाश्ता में घर से करके पे वापस आता था और नाश इसके बाद नाश्ते के बाद जहर तक जो है वो फिर वही जो सबक वाला पारा है hmm. वो रिवाइज़ करके वो सुनाना होता है जोहर से पहले ओके फिर जहर की नमाज का ब्रेक होता है लंच ब्रेक होता है उस जहर की नमाज के बाद असर तक फिर बैठना होता है और जो पिछले पारे आप याद कर चुके होते हैं वो वाला पारा नहीं जो सबक वाला पारा hmm. है उससे पहले के जो पारे याद कर चुके होते हैं उसमें से दो पारे रिवाइज़ करना होते हैं और या एक पारा hmm. मेरा चूँकि सबक ज़्यादा था तो मैं दो पारे करता था दो पारे रिवाइज़ करके वो सुनाने होते हैं ओके okay. और फिर असर से मगरब तक बिल्कुल ब्रेक होता है उसमें कोई एकेडमिक एक्टिविटी नहीं होती लेकिन मैं उसमें भी घर आने की बजाय मैं मस्जिद में बैठ के पढ़ रहा होता था yeah. मगरब के बाद फिर वो जब बच्चे सबक याद कर रहे होते थे मैं याद कर चुका होता था असर के बाद okay. तो मैं उसको और ज़्यादा रिवाइज़ करता था ईशा के ईशा के बाद फिर पढ़ाई नहीं होती ईशा के बाद जो है वो छुट्टी हो जाती है डिनर वगैरह के बाद फिर बच्चे सो जाते हैं मैं घर जाके सो जाया करता था तो काफ़ी तो, टफ रूटीन होता था बहुत ये बहुत हाँ जी हाँ तो हाँ। इन चीज़ों ने मतलब आपकी मेडिकल की जो पढ़ाई थी जिसमें ऑब्वियसली काफ़ी आपने उसमें भी मेहनत की तो उस चीज़ ने आपको हेल्प आउट किया या फिर हाँ। आपकी जो पीएचडी के थीसिस वाले टाइम पे जो आपकी पढ़ाई थी जो आप पाकिस्तान से बाहर थे जी उस चीज़ ने आपको इस यहाँ पे हेल्प आउट किया था? जी 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 ये छः महीने की जो मेहनत थी नॉन स्टॉप इसने मुझे इतना इतना हेल्प किया अलहमदिल्ला के आगे जितने भी इस तरह के इवेंट्स आए हैं जैसे मेडिकल की पढ़ाई है जैसे पीएचडी का काम है और पीएचडी का वाइवा है तो मुझे वो उतना बटन महसूस नहीं हुआ जितना दूसरे लोगों को होता है अलहमदिल्ला उसमें मैं यही समझता हूँ कि यही एक फैक्टर था जिसने मुझे जो आज तक मुझे हेल्प कर रही है जो तो समीर ये तो आपकी बात हो गई ना हमारी कि हम हिफ़्ज़ वाले सेक्शन से अब निकलते हैं वापस आपकी पढ़ाई की तरफ आते हैं मुझे मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आपका जो मास्टर्स था या जो आपका थीसिस था पीएचडी के लिए जिसको करने के लिए आप बाहर गए थे वो किस किस ए, मतलब मैं अगर इसको सिंपल अल्फाज में बोलूं कि डॉक्टरी की किस शाख से डिपेंड डिपेंडेंट था वो क्या क्या रिलेटेड था मैंने पीएचडी किया है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में और उसमें मेरी सब स्पेशलिटी जो है वो अच्छा मुझे इसमें ना समझाइएगा भी बिल्कुल आम अल्फाज में ना क्योंकि ये पैथोलॉजी और न्यूरोलॉजी मैं बोल तो दूंगा लेकिन मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएगी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली वो फील्ड है जिसमें ज़्यादातर लेबॉरेट्री में टेस्ट वगैरह होते हैं ब्लड okay, टेस्ट और okay. यूरिन टेस्ट और उसमें भी एक सब स्पेशलिटी है मोलीकुलर बायोलॉजी या मोलिकुलर पैथोलॉजी okay. तो मेरा पी पी एच डी एक्चुअली उसमें है इंस्टीट्यूट okay. का नाम भी डिपार्टमेंट ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी था वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ शेफी में तो उसमें फिर उसमें एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है जो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे प्रोटियामिक्स उस वक्त okay. वो बड़ी इन थी वो फील्ड okay. और उसमें बड़ा काम हो रहा था तो मुझे तो कोई बोले कि इसका नाम लेना है तो नाम लेने में ही दो दिन लग जाए तो शुरू शुरू में तो ये होता था कि जब कोई प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता था तो सिर्फ उसी को निकालते थे लेकिन हमारा काम थोड़ा डिफिकल्ट था हमें वो प्रोटीन इस तरह से निकालना होता था सेल से बाहर कि उसके साथ जो इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स हैं जो पार्टनर्स हैं वो भी आ जाएँ साथ में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है प्रोटीन पे काम करना वैसे भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि लो टेम्परेचर पे काम करना होता है और उसका रूम भी अलग होता है जो बहुत ठंडा होता है और बहुत डेलिकेट काम होता है क्योंकि बिकॉज प्रोटीन इज़ अ डेलिकेट मॉलिक्यूल okay. तो अलहदुल्ला लेकिन उसमें भी सख्त मेहनत की है और मैंने जिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर काम किया है उसको आर्प टू थ्री कहते हैं उस कैंसर में उसका बड़ा रोल है ओके okay. क्योंकि उसका काम है सेल मोटिलिटी और कैंसर सेल्स जब मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसको मेटास्टेसिस कहते हैं okay. तो मेटास्टेसिस में उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का काफ़ी रोल है ओके तो ये पहले से डिसाइड आपने अपने दिमाग में कर लिया था जब आप यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे थे जी जी उस वक्त से आपके दिमाग में ये चीज़ें थी कि आपने क्या फील्ड ऑफ स्टडी आगे कंटिन्यू करनी है या किस चीज़ में आपने स्पेशलाइजेशन करनी है ये हाउस जॉब के दौरान हुआ था अच्छा। हाउस जॉब के दौरान मैंने फैसला किया था कि मैं मेडिकल बायोकेमिस्ट्री को अपना फ्यूचर बनाऊँगा उसमें मेरा इंटरेस्ट हाउस जॉब के दौरान मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था यानी कि हाउस जॉब के दौरान आपको यह भी पता चला होगा ना कि इस उस चीज़ की जिसको आप करने के लिए बाहर जा रहे हैं या पी करने का सोच रहे हैं उसकी पाकिस्तान में क्या डिमांड है ये भी तो आपको आइडिया ये, ये वो ज़माना था जब बेसिक मेडिकल साइंस जो हैं वो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रही थी और उसमें उस वक्त जो नॉन मेडिकल पी हैं Uh, वही लोग होते थे और पढ़ाते भी वही थे लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आते थे चूँकि उनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता था तो वो समझा नहीं पाते थे स्टूडेंट्स को तो हमें हेल्प ये हेल्प लेना पड़ती थी क्लिनिशंस से और उन्हें इनवाइट करना पड़ता था कि आप आके वो टॉपिक पढ़ाएँ तो हमें ऐसे स्पेशलिस्ट तैयार करने थे कि जिनका मिक्स बैकग्राउंड हो यानी एम भी हों मेडिकल बैकग्राउंड भी हो साथ में वो पी भी हों बेसिक साइंसिस में ताकि ये कि जो एक्स्ट्रा इंटरवेंशन करना पड़ रही है वो ना हो और हो हो या ओके okay, okay, so, तो, अब समीर ये तो हो गया तुम्हारी एजुकेशन का पूरा पार्ट ना कि तुमने क्या किया कब hmm. किया कैसे किया इंक्लूडिंग अब ये मुझे बताओ कि भाई पाकिस्तान में इस वक्त क्या क्या चीज़ ऐसी फील होती है कि पाकिस्तान में इस वक्त किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर मे, मेडिकली हम लोग लैग कर रहे हैं या किन डिपार्टमेंट्स के अंदर मज़ीद लोगों की जरूरत है कि लोग पढ़ाने वाले नहीं हैं या फिर ये कि फैसिलिटीज़ कम हैं ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं मेडिसिन की फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं चूँकि मैं खुद उस, उससे वाबस्ता हूँ बहुत साल हो गए और मेरा अपना कैरियर यही है लेकिन ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरी अपनी फील्ड है और उसकी खामियाँ छुपाने के लिए मैंने ख़ुद फील ये किया कि अलहमदिल्ला हमारे मुल्क में मेडिकल की फील्ड बहुत बेहतर है और यही वजह है कि हमारे पढ़े हुए डॉक्टर्स की बड़ी डिमांड है यूएसए में यूके में कैनेडा में ऑस्ट्रेलिया में और गल्फ कंट्रीज में हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी डिमांड है और उनको बड़ी इज्जत की निकाह से देखा देखिए यही है। सवाल मैंने तुमसे अगला करना था कि भाई हमारे यहाँ तो जो डॉक्टर है ना वो तो पाँच साल में एमबीबीएस निकल के फारिग हो जाता है जो बाहर डॉक्टर बनने जाते हैं लोग बारह बारह साल उनका एक टाइम होता है हाँ। जिसमें वो एक लंबा टाइम स्पेंड करके वो फिर डॉक्टर बनते हैं हमारे यहाँ पाँच साल में डॉक्टर बने आप एम क्लिनिक खोला एस क्लिनिक कोलाट सेट शुरू हो गई कमाइया तो वो फिर भी हमारे डॉक्टर्स को वो ज्यादा बेहतर मानते हैं हाँ उसकी वजह यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की वजह से प्रिवेलेंस ऑफ डिजीजेस बहुत ज़्यादा है तो जैसे ये गवर्नमेंट सेक्टर वाले पब्लिक सेक्टर वाले हॉस्पिटल्स हैं जिना हॉस्पिटल हो गया और सिविल हॉस्पिटल हो गए ये तो कराची के हो गए इसी तरह लाहौर में जो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं और निस्तर हो गया मुल्तान में तो यहाँ के हॉस्पिट चूँकि ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपको पता है कि वही पेशेंट्स आते हैं जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले होते हैं हुँ, हुँ, और इसलिए वो मजबूरन आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करते हैं नहीं हैं तो यहाँ पे जो आ, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है उन्हें वैरायटी ऑफ केसेस देखने को मिलती है ठीक है और इसी तरह एक्स और साइंस और सिम्टम्स वगैरह यानी आ, वो इतने ज़्यादा ट्रेन हो चुके होते हैं कि वो पेशेंट का इस्पॉट डायग्नोसिस करते हैं मुझे अब भी याद है मेरी हाउस जॉब के दौरान लेरी हॉस्पिटल में दो महीने की पोस्टिंग मैंने खुद करवाई थी जानबूझ के हमारे एक बड़े ज़बरदस्त प्रोफेसर थे जमान शेख Okay. उनकी वजह से क्योंकि वो उस वक्त पोस्टेड वहाँ पे थे और मुझे okay. उनसे सीखना था okay. तो मुझे अब भी एक केस याद है एडिसंस डिज़ीज़ बड़ा मुश्किल होता है डायग्नोस करना okay. तो वो आए सुबह राउंड करने और एक पेशेंट पहले ही वर्कअप हुआ था आगा खान से रेफ रेफर तो नहीं हुआ था क्योंकि वो ज़ाहिर मजीद एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो लियारी के रहने वाले थे उन्होंने वहाँ शिफ्ट करा लिया अपने पेशेंट को प्रोफेसर साहब आए और उस पेशेंट को देखते रहे पाँच मिनट तक मैं घड़ी देख रहा था कुछ नहीं बोला अच्छा हमारी आदत यह होती है कि जब प्रोफेसर आते हैं तो हमें वो शॉर्ट वो जो केस है प्रिपेयर करके और प्रेजेंट करना होता है उन्होंने हमें प्रेजेंट भी नहीं करने दिया okay. पाँच मिनट तक से वो उसका चेहरा देखते रहे जब पाँच मिनट पूरे हो गए उससे कहा अपनी ज़बान दिखाओ उसने ज़बान दिखाई फिर कहा अपनी कमीज़ ऊपर करो एजिड पेशेंट था उसका पेट देखा ये सिर्फ तीन चीज़ें बस चेहरा ज़बान और पेट उन्होंने कहा हमारी तरफ मुंह करके कि यार ये तो एडिशंस का पेशेंट लग रहा है हम लोग आप यकीन करें सर पकड़ के बैठ गए कि हमें उसका वर्कअप करने में तकरीबन अवल तो खान से वर्कअप होके आया हुआ था लेकिन हमने उसकी हिस्ट्री खुद से ली और ख़ुद अपना डायग्नोसिस बनाया तो हमें आर जो हमारे सीनियर्स थे उन समेत हमें छः से आठ घंटे लगे और सर ने पाँच मिनट में डायग्नोसिस कर लिया तो ये लेवल है ट्रेनिंग का और अलमदिल्ला ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके यहाँ मेडिकल की तालीम जो है एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे हो तो अलहमदिल्ला ट्रेनिंग सही है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं हाँ आ, बस ये है कि वो चूँकि इंश्योरेंस का ऐसा सिस्टम राइज नहीं है जैसे यू एस ए में है एंड द पेशेंट हैज़ टू पे फॉर हिम सेल्फ और हल सेल्फ तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो जिसकी वजह से फिर थोड़ा बहुत तो यानी कि आप आपके ख्याल में ये कि ड्यूरिंग योर एम uh, जो आपका पढ़ाई का टाइम होता है या इवन जो हाउस जॉब का टाइम होता है उस दौरान यहाँ के स्टूडेंट्स को जो केसेस हैं वो बड़े डाइवर्सिफाइड किस्म के मिल जाते हैं जी हाँ तो जी इस वजह से वो उनकी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ रहे होते हैं हाँ बिल्कुल दैट इज मेन रीजन ओके मेन रीजन यही है तो अच्छा समीर ये ये बताएं कि पढ़ाई के शोबे से भी आपका ताल्लुक माशाल्लाह से एक तो डॉक्टर का वैसे ही ताल्लुक नहीं छूटता पढ़ाई के शोबे से तो लेकिन आप पढ़ा भी रहे हैं जी जी तो कैसा फील होता है कि बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल यानी कि पहले आपने पढ़ा और अब आप पढ़ा रहे हैं जी जी तो कैसा फ़ील कर रहे कर रहे होते हैं या क्या फीलिंग्स होती हैं जब पढ़ाने के लिए पहली दफ़ा जब पढ़ाने गए थे तो जी. उस वक्त क्या फीलिंग थी पहला लेक्चर मेरा बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में था और जाहिर है हर एक की तरह मैं भी नर्वस था तो लेकिन हमारी जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी प्रोफेसर राजदा कासम उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई और मेरा बायोकेमिस्ट्री का शौक उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने कहा तुम घबराओ बिल्कुल नहीं और मुझे तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है इसलिए मैंने सीनियर्स के साथ तुम्हें ये लेक्चर दिया ये मेरे लिए बड़ी बात थी वो मेरे लिए चैलेंज हो गया था कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ प्लस ये कि जहन में यह भी था कि भई ये जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी है मेडिकल स्टूडेंट्स की ये फ्यूचर डॉक्टर्स हैं ऑडियंस थी कितनी बड़ी वैसे ऑडियंस थी हंड्रेड uh, स्टूडेंट्स बड़ा ह्यूज नंबर था ही उसमें पब्लिक सेक्टर में तो इससे भी ज़्यादा होता है हाँ। लेकिन वो भी ह्यूज था सही बात है बड़ा लेक्चर हॉल था तो मेरे जहन में ये था कि ये फ्यूचर डॉक्टर्स हैं और मुझे पूरी ईमानदारी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस टॉपिक को की तैयारी भी करना है और इस टॉपिक को पढ़ाना भी है क्योंकि आगे जाके अगर मैं अगर ये सही तरह से या अमानतदारी के साथ लेक्चर डिलीवर नहीं करूँगा और इनकी जो मेडिकल अपब्रिंगिंग है और ट्रेनिंग है अगर उसमें कोई कोताही रह गई तो उसका कुछ ना कुछ ज़िम्मेदार मैं भी हूँगा तो खुदा ना खासा अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करते वक्त इनसे कोई नेग्लिजेंस होती है उसमें मेरा भी हिस्सा होगा सिमिलरली या आप यूँ कह लें ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर यह ज़िम्मेदारी से काम करेंगे और पेशेंट खुश होगा उसके दिल से जो दुआ निकलेगी उसका उसमें मेरा भी हिस्सा होगा तो यही मेरा तरीका आज भी है मैं जब भी जाता हूँ तो फुली प्रिपेयर करके जाता हूँ खासतौर से उस टॉपिक का जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो मैं बड़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स मुझे इसी वजह से बहुत पसंद करते हैं अलहमदिल्ला बल्कि एक स्टूडेंट ने तो मुझ पर एतराज़ भी किया था कि सर जब आपका क्लिनिकल एस्पेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप टीचिंग साइड पर क्यों आएँ तो मैंने उसको मैंने उसको यही कहा कि बेटे अगर सारे लोग आ, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा समझा और मैं इसी वजह से मैं आया हूँ ताकि आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छी हो तो ऐसे लोगों की भी तो ज़रूरत है ना ताकि आप लोग अच्छे से ट्रेन होकर निकलें बाहर और आपके जहनों में वो बात हो जो हमने आपको पढ़ाई है आपको ये एहसास ना हो कि यार सर ने तो हमें पढ़ाते वक्त ये चीज़ें बताई नहीं थी अब हमें जाके पता चल रही हैं तो ये एक्सप्रेशन अच्छा अब एक सवाल जो मैंने समीर तुमसे आगे चल के करना था लेकिन अब तुमने वो मेरे वो तार छेड़ दिए हैं तो वो सवाल मैं पहले कर रहा हूँ तुमसे ठीक है मुझे ये बताओ कि कुछ खास प्रोफेशंस होते हैं जिससे किसी चीज़ को जोड़ दिया जाता है हमारे यहाँ पे जनरली एक बात कही जाती है कि डॉक्टर कसाई होता है ठीक है कसाई का, का काम क्या है काटना लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि भाई हर प्रोफेशन के अंदर ना इस वक्त स्पेशली मैं तो पाकिस्तान की अभी बात कर रहा हूँ हर प्रोफेशन के अंदर इस वक्त चूना लगाने वाले लोग मौजूद हैं जो तैयार बैठे हैं कि कब कोई बकरा आए और फंस जाए उनके पास जी 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 तो कसाई तो फिर हर प्रोफेशन में हुए लेकिन ये चीज़ हम डॉक्टर के साथ ही क्यों एसोसिएट करते हैं कि डॉक्टर को हम ऐसे बोल रहे होते हैं हालांकि डॉक्टर के भी अपने मसले मसाइल हो सकते हैं वो भी इंसान हैं हमारी तरह इसकी इसकी बुनियादी वजह तो एक तो ये कि कसाई से मुशाबहत जो लोगों ने दी है वो कसाई का काम ही होता है कि वो खाल उतारता है और छुड़ियाँ चलाता है सर्जन भी यही काम करता है खाल काटता है इंसीजन देते वक्त स्किन स्किन काटता है फिर वो इंसीजन देता है और उसके बाद फिर वो अंदर जाता है ठीक है <coughs> लेकिन इसमें दूसरा फैक्टर जो है आ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो कि बिटर ट्रूथ है कड़वा सच वो ये कि हमारे कुछ डॉक्टर हजरात जो हैं वो फेयर प्रैक्टिस मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तरफ से नहीं, जिसकी नहीं। लालच में आके फिर जो है वो पेशेंट का ख़्याल नहीं रख पाते नहीं। उनके सामने जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने पेशेंट की हेल्थ नहीं। वो नहीं होती बल्कि वो अपना इंसेंटिव होता है जो उन्हें मिल रहा होता है और पेशेंट्स भी भाप जाते हैं इस चीज़ को तो एक एक फैक्टर ये भी है और तीसरा फैक्टर जो है वो हमारा एक जनरल जो पाकिस्तानी एटीट्यूड है और वो के हर एक से नाखुश रहना हर एक को बुरा भला कहना नहीं तो लेकिन अगर डॉक्टर्स को अगर जैसे तुमने बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ इंसेंटिव दे रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से डॉक्टर अपनी जॉब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है मेरे ख्याल में तो फिर ये पूरी दुनिया में होता होगा नहीं नहीं है पूरी दुनिया में भी है चाइना चाइना कह लें आप यू एस में भी है यूके में भी है लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं है इतना प्रोमिनंट नहीं है हमारे यहाँ प्रोमिनेंट और इंडिया में भी आप कहें ये इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी प्रोमिनेंट है ओके okay, okay. और ये इतना प्रोमिनेंट है कि इसको पेशेंट्स के सामने जो है वो hmm. मेडिकल रैप्स कभी कभार आ जाते हैं और डॉक्टर से बात करके चले जाते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं अपनी कन्वर्जेशन को अब आते हैं थोड़ा सा वापस ये कि <coughs> स्टूडेंट हमारे यहाँ किस तरीके के होते हैं सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ रेशियो क्या होता है मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का इन मेडिकल लाइन सही जब मैं स्टूडेंट था तो फिफ्टी फिफ्टी था मेरा अपना बैच अब भी याद है okay. हम लोग तकरीबन तो फिफ्टी परसेंट मेल्स थे फिफ्टी फिफ्टी परसेंट फीमेल्स mm -hmm. लेकिन अब जो है वो आ, ये रेशो बहुत ही ऑड हो चुका है mm -hmm. आ, कुछ अर्सा पहले ये एट्टी ट्वेंटी था यानी एट्टी परसेंट लड़कियाँ okay. और सिर्फ ट्वेंटी परसेंट लड़के अब ये और और ज़्यादा इम्पेयर हो गया है नाउ द गर्ल्स आर मोर देन एट्टी और बॉयज़ आर लेस दैन ट्वेंटी सो डू यू थिंक जिस तरीके से एक uh, हमारे यहाँ एक और चीज़ भी बड़ी जो है वो अवाम के अंदर काफ़ी मकबूल हुई हुई है मैं कहूँगा कि खातिन डॉक्टर्स जो होती हैं वो अपने प्रोफेशन को एज़ अ प्रैक्टिस ज़्यादा अरसे कंटिन्यू नहीं करती क्योंकि उनकी तादाद इस वक्त अगर जैसे आप बता रहे हैं कि एट्टी टू नाइन्टी परसेंट हो रही है तो अगर नाइन्टी परसेंट में से एक बड़ा नंबर लोगों का ऐसा हो कि जो कि सिर्फ मेडिकल एज ए स्टडी कंटिन्यू करे एज़ ए प्रोफेशन ना बने तो वहाँ पे क्या मसले मसाइल आएंगे ज़ाहिर है उस पर फिर मेडिकल में मैन पावर की कमी आएगी जब प्रैक्टिस में फील्ड में जो आ भी तो रही हाँ। है हाँ जो, जो कि आ रही है बिल्कुल आ रही है। अब हमें फे, फेस करना पड़ रहा है इसको और उसमें एक तो शादी होने के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि उनके हस्बैंड्स उनको इजाज़त नहीं देते कि भाई आप काम करें वो चाहते हैं कि घर पे फोकस करें कभी जो इन लॉज हस्बैंड अगर राजी हो भी तो इन लॉज जो हैं वो नहीं पसंद करते कि बहू जो है वो बाहर जाए और घर में रहे लेकिन तलाश लेकिन, तो सब लोगों को डॉक्टर बहू की होती हाँ ये ये वो मेजर फैक्टर है जिसने बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है इस रेशो को टूवर्ड्स मोर देन एटी एंड लेस देन ट्वेंटी फॉर फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली ये डॉक्टर बहू वाला जो कल्चर है उसने सत्यानाश कर दिया और मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा लेकिन मेजोरिटी Uh, की जो है वो मेन रीज़न बस सिर्फ यही होता है क्योंकि एम uh, अब जहेज़ पैकेज बन चुका है सो सॉरी टू से तो वो ये समझते हैं कि अगर एम नहीं किया तो पता नहीं शादी होगी भी या नहीं होगी तो ये ये रीज़न है और हम हम देखते हैं अपनी इसमें आ, जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास अच्छी खासी एप्लीकेशन डिसकन्टीन्यूएशन ऑफ स्टडीज़ की भी आती हैं उसमें वो लड़कियाँ यही लिखती हैं कि मेरी शादी हो चुकी है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में तो लिहाजा आप मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती तो कुछ सीट्स तो इस तरह भी ज़ाय हो जाती हैं वो फिलअप नहीं हो पाते तो लड़के क्यों उस साइड पर कम आ रहे हैं एक तो इस वजह से कम हो गए हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लड़कियां मेरिट ज़्यादा ले जाती हैं लड़कियां मेरिट मजबूर हैं इस वजह से डॉक्टर बहू कल्चर की वजह से फिर दूसरा फैक्टर इसमें ये है कि मेडिकल प्रोफेशन फाइनेंशियली इतना रिवॉर्डिंग नहीं है जितना पहले होता था जब ये मेडिकल ग्रेजुएट्स फील्ड में आते हैं तो उन्हें आर की पोस्ट मिलती है तो उनकी सैलरी सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह इतना अपीलिंग नहीं है जितना दूसरे प्रोफेशंस में और आपको पता है कि हमारे यहाँ मेल्स जो हैं वो अल्फ़ा मेल्स कंसिडर होते हैं और वो ब्रेड विनर्स होते हैं अपनी फैमिली के तो वो प्रेफर ये करते हैं कि इस तरह के प्रोफेशन में जाएँ जो फाइनेंशियली ज्यादा रिवॉर्डिंग हो ठीक है लेकिन डॉक्टर्स तो, का प्रोफेशन भी तो आगे चल के फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग बहुत अच्छा हो जाए वो हर एक के लिए नहीं होता देखें इसकी मिसाल ऐसी है कि खुदा न खास्ता आपकी अम्मी की अगर तबीयत ख़राब होती है तो आप तो यही चाहेंगे ना कि जो बेहतरीन डॉक्टर है मैं उसी को दिखाऊँ और ये बेहतरीन डॉक्टर वो डॉक्टर होता है जिसको कई साल हो चुके हों प्रैक्टिस में उसका नाम बन चुका हो और वो हर कोई नहीं होता नहीं। वो कोई एक दो होते हैं या तीन चार होते हैं तो आपकी भी कोशिश यही है दूसरे की भी कोशिश ये है जो नया डॉक्टर अभी बन के निकला है जिसका किसी को पता ही नहीं और वो जूनियर है कहने को उसको तो कोई नहीं दिखाना चाहेगा तो ये ये एक्चुअली ये वो है कि हर एक के लिए अवॉर्डिंग नहीं है लेकिन वो जो एक दो हैं जो बहुत ज़्यादा जिनके रश है वो पैसा कमा रहे होते हैं तो वो देखने में ये तासवर मिलता है कि भाई ये 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 प्रोफेशन तो इसमें तो अंधी कमाई है उसमें पैसा ही पैसा अच्छा तो यार समीर ये बताओ कि भाई यंग डॉक्टर्स का क्या मसला है यार आए दिन हमारे पास हम न्यूज़ में सुनते हैं मतलब वैसे तो शायद लोगों का मेडिकल से इतना ताल्लुक़ जब किसी को ज़रूरत पड़ती है जब ही होता है हर एक का प्रोफेशन नहीं होता लेकिन ये न्यूज़ में जो यंग डॉक्टर्स रहते हैं हमेशा आए।, आए दिन किसी ना किसी हवाले से तो ऐसे क्या मसले हैं जो ओल्ड डॉक्टर्स के साथ नहीं है न्यू <laughs> डॉक्टर्स के साथ हो रहे हैं अच्छा इतफ़ाक़ से ये मेरा वीक एरिया है और यंग डॉक्टर्स के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है शायद इस वजह से कि मैंने खुद कभी कोशिश नहीं की नहीं। आ, ये पंजाब में ज़्यादा एक्टिव हैं और बेस्ड भी मेनली बेस्ड वहीं पे इनकी एक्टिविटीज़ भी वहीं पे लेकिन मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ जो मुझे महसूस हुई हैं आई मे बी रॉन्ग मैंने महसूस ही किया कि इन्होंने जब भी अपना मुतालबा उठाया है तो वो मेनली इस तरह से होता है कि भाई उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या उनका स्टैपेंड थोड़ा बेहतर किया जाए विच इज़ नॉट रॉन्ग तो हकीकत की आँख से देखा जाए तो उनकी बात में दम होता है इसका मतलब हर किसी नहीं है कि मैं उनको फेवर कर रहा हूँ लेकिन जिस अंदाज से वो उसको कहते हैं मेरा उससे अख्तिलाफ है कि यंग डॉक्टर्स हैं चूं उनका ख़ून गर्म है तो उन्हें बड़ों का ज़रा लिहाज करना चाहिए और थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में उसको उसको उनको डील करना चाहिए अल्टीमेटली उनके जो डिमांड्स हैं वो पूरी कर दी जाती हैं क्योंकि उनके मुतालबात जायज़ होते हैं लेकिन द वे दे डू इट इट्स इट शुड बी मोर सोबर नहीं वो एज एज ए नेशन भी हमें जो है वो एक लाइन खींचना तो नहीं आती ना जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है चाहे वो अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है लेकिन उसको हम किस लेवल तक आगे लेके जाते हैं फिर कोई लाइन ही नहीं शुरू में असल में ज़्यादा भी बहुत ज़्यादियाँ भी बहुत हुई हैं सीनियर्स आ, ये बहुत पुरानी बात हो गई अब तो खैर ऐसा नहीं है कि उन्हें दबाया बहुत जाता था आगे बढ़ने के मौके बहुत कम होते थे और स्टाइपेंड मिलता नहीं था टाइम पे तो ये वो चीज़ें थी जिन्होंने जन्म लेकिन अब है। अब तुम्हें लगता अब तो हालात बहुत बेहतर बेहतर होती जा जी जी अल्लाह का शुक्र है एफ की ट्रेनिंग में स्टाइफन भी काफ़ी अच्छा मिलता है ये अलग बात है कि एफ की ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं जिस बहुत है जिस वजह से कॉम्पटिशन बहुत सख्त है लेकिन ये जिस किसी को मिल जाता है ही और शी डज़ वेरी वेल ओके ओके तो समीर मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल हवाले से कोई बात करना चाह रहा हूँ बट मेरा तुमसे एक सवाल ये है कि कुछ अर्से पहले हमने मैं मै, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ अर्से पहले हमने देखा पाकिस्तान में सेहत कार्ड लॉन्च हुआ mm. वो किस गवर्नमेंट ने किया कौन mm. किस पार्टी ने किया किसकी गवर्नमेंट थी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन क्या आप ये समझते हो कि ये सेहत कार्ड एक अच्छी फैसिलिटी थी फ्रॉम गवर्नमेंट टूवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री टू बी ऑनेस्ट यस ये वाकई में एक अच्छी फैसिलिटी थी क्योंकि ख़ासतौर से जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है उनकी उनकी बड़ी हेल्प हुई है जो कि तस्वूर भी नहीं कर सकते थे लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि कर्ज़ों में तह तक डूबी हुई है उसमें इसका सस्टेनेंस बड़ा मुश्किल है क्योंकि देखें ये आ, उन कंट्रीज़ में काम करता है ये सिस्टम जहाँ टैक्स सिस्टम बड़ा सॉलिड हो लोग कंट्रीब्यूट करते हों और वो कंट्री मकरूज ना हो इसके लिए मुसलसल इन्फ्लक्स चाहिए आपको फंडस का जो कि हमारे पास है नहीं तो फैसिलिटी वाकई में बहुत अच्छी है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको देखा जाए तो आ, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत हाई हैं मतलब आपका आपका ये समझना है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सस्टेने हाँ हाँ जी हाँ उसमें फिर आगे आगे प्रॉब्लम्स आएंगे तो लेकिन जिस वक्त ये अब तो खैर ये चीज़ रही भी नहीं है अब सेहत कार्ड मेरे ख्याल में अब तो यूज़ भी नहीं होता लेकिन जिस वक्त ये यूज़ हो रहा था तो आप समझते हैं कि वो Uh, सही लोगों के हाथ में था या सही लोग उसको यूज़ कर रहे थे मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा जितने केसेस मेरी नॉलेज में आए तो वो सारे जेनुइन थे मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि वो एब्यूज हुआ है ये हमारे यहाँ फैसिलिटीज एब्यूज भी तो होती है ना कि अपने जानने वालों को करा दिया वो हुँ, हुँ। हो सकता है हुआ हो लेकिन मुझे ऐसा सुनने को मिला नहीं। अब हम अगर एक्सेप्शन की बात करें तो वो तो समीर अच्छी बुरी एक्सेप्शन तो आपको हर जगह नजर आ रही होती है बट मोस्टली ओवरऑल अगर हम उस पिक्चर को देखें तो आई थिंक के मेरा भी अपना मानना ये है कि वो चीज़ एक ऐसी चीज़ थी जो लोगों की भलाई के लिए अच्छी थी। अच्छी फैसिलिटी और आई थिंक वो हकदार तक पहुंची भी थी जिसमें लोगों ने सही मानों में बेनिफिट भी उठाया इसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था हाँ लेकिन, लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा वो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर तरह की फैसिलिटी है मैंने सिविल हॉस्पिटल में खुद हाउस जॉब किया अब तो हालात पहले से बहुत बेहतर हैं लेकिन जिन हालात में मैंने काम किया आप यकीन कीजिए कि पेशेंट्स आते थे हमारे पास दस रुपये की फ़ाइल बनती थी hmm. पेशेंट्स के पास वो दस रुपये भी नहीं होते थे लेकिन उनका कोई काम रुकता नहीं था hmm. क्योंकि वॉल्टियर्स होते थे एन होती थी उनकी सारी मेडिसिन सारे ऑपरेशनस अब अगर फ्रैक्चर है उसमें कोई इम्पलान लग रहा है इम्प्लान बड़े महंगे आते हैं इम्पोर्टेड होते हैं इंग्लैंड वगैरह से आते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के वो भी वो और महंगे होते हैं hmm. लेकिन वो सब अरेंज हो जाता है अलहमद hmm. तो मैं इस मामले में गवर्नमेंट को क्रेडिट दूंगा कि जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं अलमदिल्ला एक तो वहाँ ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो रही है पोस्ट ग्रेजुएट्स की और फिर पेशेंट्स का काम भी हो रहा है ठीक है बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है लेकिन ये कि काम सबका हो रहा है वहाँ तो अगर ये सेहत कार्ड मिसाल के तौर तो पर ख़त्म हुआ भी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो अब भी हैं तो खुदा न खासा अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख कर सकता है इनशाला वो देर जरूर हो जाएगी उसके काम में लेकिन वो मायूस नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि उसका काम ना हो हमारे यहाँ तो फिर भी एक दो महीने में काम हो जाता है अगर आप कनाडा और यूएसए वगैरह हाँ, में वहाँ देखें तो, वहाँ तो का अपॉइंटमेंट ही दो साल बाद मिलता है इवन जहाँ पे कनाडा जैसी कंट्री जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज फ्री है फ्री हैं, फ्री हैं तो हाँ। वो फ्री के लिए आपको बहुत लंबा इंतजार पैसे दे के वहाँ पे भी जल्दी काम हो रहा है तो वहाँ मजबूर फिर लोग प्राइवेट का रुख करते हैं जो कि महंगा है जी अरे समीर ये बताओ अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ मेरे साथ इनफैक्ट एक ऐसा वाक़ा हुआ कि जिसमें मैंने देखा कि भाई कोई बंदा बाहर से पाकिस्तान आया है इलाज कराने के लिए इवन ऐसी जगह से जहाँ पे इलाज फ्री होता है ओके तो इस इसके पीछे मतलब ठीक है वो उनकी अपनी स्टोरी और अपनी चीजें अपनी जगह होंगी बट ऐसे तुम्हारे नज़र में भी केसेस आते होंगे जो कि ऐसा हुआ होगा कभी तो ये इनके पीछे क्या क्या रीजन तुम्हें समझ में आता है कि क्या हुआ होगा कैनेडा से एक फैमिली सिर्फ आती थी सिर्फ मुझे दिखाने आती थी उसमें एक रीज़न तो जैसे मैंने पहले बताया लॉन्ग वेटिंग टाइम्स हैं और इंश्योरेंस कनाडा और यूएसए में तो इंश्योरेंस का सिस्टम है इंश्योरेंस बैग है hmm. और यूके में इंश्योरेंस नहीं है लेकिन यूके में काउंसिल टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस इसकी मद में भी और प्लस इनकम टैक्स और टैक्सेस बहुत हैं तो ये टैक्सेस जब आप रेगुलरली पे कर रहे होते हैं तो आप उनके रिकॉर्ड पर आ जाते हैं हाँ भाई ये रेगुलर टैक्स पेयर है hmm. तो बच एजुकेशन बच्चों की एजुकेशन स्कूल वाली और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ ये फ्री हो जाती हैं कहने को लेकिन वो फ्री नहीं है एक्चुअली क्योंकि आप मुसलसल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं श्रूवर्स नेशनल इंश्योरेंस और काउंसिल टैक्स उसके अगेंस्ट में आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं तो इसको बिल्कुल फ्री कहना तो मुनासिब नहीं होगा लेकिन उसके बावजूद जब ये फ्री फैसिलिटीज़ फ्री फ्री फैसिलिटीज जब आप अवेल करने जा रहे होते हैं तो वही बात वही है कि वेटिंग टाइम्स बड़े लंबे होते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ के पेशेंट्स को चूँकि अर्जेंसी होती है और वो ज़्यादा लंबा वेट कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द एलमेंट और पेन एगोनी तो फिर वो रुख करते हैं दूसरी जगहों का और प्राइवेट बहुत महंगा है वो फिर बैठ के अपना बजट बनाते हैं कि अगर वहाँ मैं प्राइवेट दिखाऊँ तो कितना खर्चा आएगा और प्लेन करके टिकट करके मैं पाकिस्तान जाऊँ वहाँ कितना खर्चा आएगा स्टे करूँगा ये वो तो उनको फिर भी पाकिस्तान सस्ता पड़ता है प्लस ये कि यहाँ की एक्सपर्टीज़ तो पता ही आपको अलहमदिल्ला सब कुछ सही है फैसिलिटीज़ भी ठीक है तो एक तरह से उनकी वेकेशन भी हो जाती है हॉलीडेज भी हो जाते हैं रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो जाता है प्लस ये कि सस्ते में वहाँ के मुकाबले में सस्ते में उनका काम भी हो जाता है और अच्छा हो जाता है तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप अब हम प्राइवेट इलाज को कंपेयर करें तो वहाँ का प्राइवेट इलाज और यहाँ का प्राइवेट इलाज इसमें पाकिस्तान का प्राइवेट इलाज जो है वो सस्ता है जी वहाँ के मुकाबले में सस्ता है जी अच्छा ये आ, अब आते हैं थोड़ा सा एक मिथ है जो कि हमारे माशरे में आम है आ, आए दिन हम चीज़ों में सुनते रहते हैं सेम ये जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं इसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अक्सर ये बात करते हैं और अक्सर हमारे यहाँ क्योंकि रिश्तों का एक और शादियों का जो है वो एक तसलसल चलता ही आ रहा है तो इसमें काफ़ी लोग इस चीज़ को फ्री फील भी करते हैं इस प्रोसेस से गुजरते भी हैं निगलेक्ट भी होते होंगे इसकी वजह से तो ये मिथ जो है कज़न मैरिजेज वाला इस इसके बारे में मुझे क्लैरिटी से थोड़ी चीज़ें समझाओ यार कज़न मैरिज़ को हमारे मेडिकल टर्म में कॉन्सेंगे कहते हैं और डिस्करेज की जाती है मेडिकल प्रोफेशन में मैंने इस पर ख़ुद भी अपनी रिसर्च की है और ये कॉन्सेंट गुनिटी वाला जो मैटर तो आपने अच्छा हाईलाइट किया है वैसे दिस इज पार्टली ट्रू एंड पार्टली अन ट्रू अच्छा वो कैसे देखें ये जो कॉन्सन गुनिटी की वजह से या कज़न मैरिज़स की वजह से जो बीमारियाँ मुंतकिल होती हैं औलाद में वो बेसिकली कन्सेंग यूनिटी की वजह से नहीं होती बल्कि इन ब्रीडिंग की वजह से होती है डेट इज़ अ सेपरेट थिंग इसको हमने एक्चुअली सिनोमस सिनोनिमस कर लिया है कॉन्सेंगनिटी को और इन ब्रीडिंग को इन ब्रीडिंग बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स में जो है अगर सेक्शुअल uh, कॉन्टैक्ट हो और उसकी वजह से डेड रिजल्ट इन प्रेगनेंसी उसमें जेनेटिक एरर्स इन बॉर्न एरर्स के बड़े चांसेस होते हैं ठीक okay. है अच्छा दूसरी बात ये कंसेंगूनिटी कैन लीड टू इन बॉर्न एरर्स लेकिन वो उस सूरत में होता है कि नसल दल नसल जो है वो कज़न्स में मैरिज चली हुई आ रही हो okay. यानी मैं और मेरी बीवी okay. वो भी कजन्स हैं ओके okay. हमारी औलाद हुई उनकी भी हमने उनके कज़न से कर, कर दी फिर उनकी औलाद आई उन्होंने भी अपने कज़न से कर दी फिर उन्होंने भी इस तरह चलते चलते जीन्स चल रही हो। इस तरह जीन्स में वीकनेस आती है और फिर बीमारियां होती हैं ठीक है तो ये जंजीर बनाना जो है इसकी इसको शरीयत ने भी डिस्करेज किया है कि जंजीर ना बनाओ तो लेकिन ये कि अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं और मेरी वाइफ हम लोग आपस में कज़न्स नहीं है ठीक है लेकिन अगर मैं अपने औलाद की किसी कज़न से मैरिज करता हूँ उसमें इनशाला चांसेस नहीं है इस, इन, इन, इन बॉनस के ये उस सूरत में होता है कि अगर नसल दर नसल जो है वो कज़न्स में मैरिज चली भी आ रही हो फिर देन इट कैन और तो, इसमें इसमें मेरी रिसर्च का जो दूसरा पहलू है वो मैं आपको बताना चाह रहा चाहूँगा विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग और ये मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ जब आई वेंट टू इंग्लैंड विच इज़ अ क्रिश्चन कंट्री क्रिश्चन मज़हब में कज़न मैरिज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है और वो कंसंगुनिटी को लेते हैं एस इंसेस्ट तो हाँ तो वो उनके यहाँ ये बहुत बुरी चीज़ समझी जा रही है फिर वो कोशिश भी करते हैं कि बाकी लोग भी ना करें डिस्करेज करें तो एक तरह से दे गेट हेल्प फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन टू स्प्रेड दिस वर्ड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम कंसंगुनिटी ओके तो लेकिन इसमें समीर एक पॉइंट ये भी है कि अगर हम जैसे कज़न मैरिजेज़ की बात करते हैं तो कज़न मैरिजिज तो फिर भी कज़न्स आपस में और उनकी फैमिलीज आपस में पहले से एक दूसरे को जानती हैं जी लेकिन अगर हम आउट ऑफ द फैमिली मैरिज की बात करें तो वहाँ तो अगर हम अगर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट कि यार बीमारियाँ कुछ ऐसी चीज़ें लग जाती हैं या फिर ये कि आपने जैसे प्रेगनेंसी के केस का बताया तो बाहर वाले से अगर कोई मैरिज हो रही है तो उसके केस में तो हमें पता ही कुछ नहीं होता कि मेडिकल हिस्ट्री क्या है खास तौर से अगर वो छुपा जाए और आपको ना बताएं और वो डिजीजेस ऐसी हों जो कि वो ट्रांसफ़र होती हों ठीक है जनरेटेड डिजीजेस तो वो तो नॉन कॉन्सेंगुनस मैरिज में भी पॉसिबल है तो यानी कि तो, इस इस मिथ को हमें अपने दिमागों से निकालना जी चाहिए। जी जी वो उसी सूरत में होता है कि अगर वो जीन प्रेजेंट हो वो बीमार जीन अगर उस मैरिज में चाहे वो कॉन्सिकुनस हो या वो नॉन कॉन्सिक्वेंस हो और वो जीन प्रेजेंट है तो वो आगे ट्रांसफर होगा नहीं है ओ, तो नहीं होगा ओके तो uh, एक और चीज़ हमारे यहाँ मेडिकल से रिलेटेड जो देखने में आती है लोगों के अंदर वो ये कि हमारे यहाँ जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना वो ये कि डॉक्टर के पास नहीं जाना यार सर में दर्द हुआ बुखार हुआ तो एक सेल्फ मेडिकेशन कर ली ठीक है घबराते हैं हम लोग जनरली डॉक्टर के पास जाते हुए तो मैं मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि भाई इस चीज़ को बिल्कुल उठा के साइड पे कर देना चाहिए सही है लेकिन आप क्योंकि डॉक्टर हो और इतने अरसे से माशाल्लाह इस फील्ड से रिलेटेड भी हो तो आपको क्या लगता है कि बाहर जो है वो डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है इस वजह से बीमारी का इलाज जल्दी मिल जाता है उनको और हम लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाते हुए टेस्ट कराते हुए हम लोग घबरा रहे होते हैं डर रहे होते हैं तो इस वजह से हमारे यहाँ डायग्नोसिस देर में होती है इस वजह से टाइम निकल जाता है डायग्नोसिस देर से तो बाहर देर से होता है अच्छा। क्योंकि वो बग़ैर इन्वेस्टिगेशन और बगैर टेस्ट के तो बात ही नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे ये भी तो सिस्टम है ना कि अगर नेगलीजेंस हो गई तो पेशेंट सू कर देगा सही है तो इसलिए उन्हें बड़ा मुहतात होकर चलना पड़ता है हमारे यहाँ तो अलहमदिल्ला अगर उसको अंदाज़ा हो जाए और डॉक्टर के दिल में ज़रा हमदर्दी हो पेशेंट के लिए तो अननेसेसरी टेस्ट वो लिखता भी नहीं है ठीक है मैंने जो फील किया है वो ये कि जनरल पब्लिक इसलिए भी घबराती है उनके जहनों में ये होता है कि हाँ मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा हज़ारों रुपये के वो टेस्ट लिख देगा ठीक है और मेरा अब उसमें अलग खर्चा होगा फिर मैं उसको टेस्टों की रिपोर्टें दिखाने जाऊँगा तो एक और विजिट मेरा लगेगा hmm. क्योंकि वैसे ही जो है अब लोग बड़ी मुश्किलों से अपना ब्रेड एंड बटर चला रहे हैं तो hmm. उसमें फिर कोई मेडिकल एलिमेंट आ जाए जा जा तो वो और उनके लिए मसला हो जाता है दूसरा फैक्टर जो है इसमें वो है गूगल एक टर्म है हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं गूगलाइटिस hmm. hmm. वो हमने खुद बनाया सही तो इसने बड़ा ख़राब किया माहौल पेशेंट्स जो है गूगल के तो जाकर खुद ही अपना जो है वो साइंस और सिम्टम्स डालते हैं तो गूगल जो है वो अब तो खैर ए आ गया है अब और मुसीबत हो जाएगी तो गूगल उनको कुछ प्रोपोज कर देता है और ट्रीटमेंट भी दे देता है तो वो सेल्फ़ मेडिकेशन में अपना सत्यानाश कर लेते हैं और फिर इस तरह के केसेस बिगड़ के आते हैं डॉक्टर्स के पास अब होता है ये बिगड़े हुए केसेस को ट्रीट करना ज़रा और चैलेंजिंग होता है मुश्किल होता है तो आपके ख्याल में गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं लेकिन मेरा अपना एक एक्सपीरियंस ये रहा है जिसमें डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी इंक्रेज किया था कि भाई ये आपकी आपकी जो मसले मसाइलें आपके साथ चल रहे हैं वो ये हैं अब आप जाएं इनको गूगल हाँ। करें इनके बारे में पढ़ें ताकि आपको भी एक एजुकेशन हो मैं तो दवाई दे ही रहा हूँ हाँ हा, हाँ देट इज़ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकिन उसमें जो साइड इफ़ेक्ट हम लोग ये देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पेशेंट जो है ना फिर वो जब पढ़ता है तो वो आके डॉक्टर से बहस करना शुरू कर देता है और वो ये तस्वु करता हाँ। है कि मेरे पास हाँ। ज़्यादा नॉलेज है हाँ। फिर वो आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरफ चला जाता है हाँ और जो है फिर वो बदमजगी हो जाती है ओके तो समीर इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है इस वक्त दुनिया में मतलब अब नई नई चीज़ें हैं अब जैसे आपने बताया अभी ए और ये तो मेडिकल फील्ड में आपको क्या लगता है कि हम लोग जो एडवांसमेंट हो रही हैं ये डॉक्टर्स के लिए काम आसान कर रही हैं या पेशेंट्स के लिए काम आसान कर रही हैं या दोनों की जिंदगियां मुश्किल कर रही हैं नहीं मेरे ख्याल में डॉक्टर्स के लिए तो बड़ी आसानी है हाँ। और पेशेंट्स के लिए भी अल्टीमेटली चूँकि डॉक्टर्स के लिए आसानी होगी तो पेशेंट्स के लिए भी होगी उसका उसका रिज़ल्ट पेशेंट के हक़ में भी आएगा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में टर्न अराउंड टाइम जो है ना पेशेंट्स का वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड टाइम वो भी कम हो जाएगा काफ़ी फर्क पड़ेगा उस पर लेट्स सी हाउ हाउ इट गोस और हम पाकिस्तान में कितने अरसों में आप आपके ख्याल में क्या लगता है कि ये सारी मेडिकल जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं स्पेशली आफ्टर मतलब ये ए आई और जी जी। तो ये आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हम लोग दस साल के बाद देखेंगे पंद्रह रोबोटिक्स तो ऑलरेडी इन हो चुकी है खासतौर से एस आई यू टी में और आ खान वाले भी उस पर काम कर रहे हैं रोबोटिक्स तो इन हो जाएगी मेरे ख्याल में आइंदा तीन चार सालों में और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी फिर दौड़ फिर दौड़ शुरू हो जाएगी आपको पता है रेस लगती है फिर और ए आई का काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है और जितने भी हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ दस साल के अंदर इसको हो जाना चाहिए नॉट बियॉन्ड दैट विट इन न डिकेट तो भाई समीर अब आपसे ये सवाल पूछूंगा कि भाई आप ये बताएं कि जनरली क्या चीज़ तंग करती है जो कि पेशेंट से रिलेटेड होती है और जनरल पब्लिक से रिलेटेड होती है एज अ डॉक्टर आप मुझे ये बताएं कि किस चीज़ से परेशान हो जाते हैं उकता जाते हैं अपनी ज़िंदगी यार ये नहीं चाहिए मुझे पेशेंट का नाशुक्रापन <laughs> <laughs> <तुम्यों। laughs> आप जितने भी ऑनेस्ट होके उनका ट्रीटमेंट करें और मुझे अब भी याद है मेरा एक पेशेंट था माइग्रेन का <laughs> और माइग्रेन के पेशेंट जो हैं वो ज़रा टाइम लेते हैं ठीक होने में क्योंकि वो क्रॉनिकड एक होते हैं वो इतने आराम से काबू में आते नहीं हैं और उन्हें बड़ा काउंसिल भी करना पड़ता है तो जब तीसरा विज़िट में आया तो तीसरे विजिट से एज एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको और दिस इज़ जनरल एटीट्यूड सारे लेकिन ऐसे नहीं होते कुछ नहीं। बहुत इज्जत करने वाले भी होते हैं तोहफे भी लेके आते हैं तो तीसरे विज़िट में उसने मुझसे आके कहा डॉक्टर साहब मुझे तो कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा तो मुझे आज की भी फ़ीस रीइम्बर्स करें आप और जो पिछले पिछले दो विज़िट्स हैं मुझे उनकी भी फ़ीस वापस चाहिए अच्छा हाँ तो ये एक्चुअली ये ये वाला जो एटीट्यूड है ये ये थोड़ा तंग करता है दिस इज नो डिसहार्टनिंग इससे थोड़ा दिल भी टूटता है और कि भाई हम खास से उन डॉक्टर्स के लिए जो जो इंसेंटिवस में इन्वॉल्व नहीं है और फेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनका मोटिव ये है कि बस मेरा पेशेंट किसी तरह से ठीक हो जाए पर्सनल लाइफ लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो हैं वो बेचारे तरसते हैं और सिर्फ संडे का मिलता है दिन के मैं उनके साथ गुजारता हूँ संडे को मैंने इसी वजह से अपनी कोई और एक्टिविटी रखी नहीं है okay. डॉक्टर का मतलब ये है कि यू हैव टू तो फॉरगेट यू हैव टू तो किल योर पर्सनल लाइफ तो ये ये आप समझते हैं ये ये वाली जो सोच है कि यूल हैव टू तो किल योर पर्सनल लाइफ ये सही है और सिर्फ या सिर्फ ये हमारे यहाँ समझा जाता है या इस तरह का कॉन्सेप्ट बाहर भी है नहीं नहीं बाहर भी है ये डॉक्टर का मतलब ही ये है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ किल नहीं करेंगे यू कैन नॉट बल्कि यू कैन नेवर बी अ गुड डॉक्टर Okay. डॉक्टर बनने का तो मतलब ही हम तो जो आ, आ, ओथ हम लोग लेते हैं आ, उसमें भी तो यही है तो फिर कि मेरी सारी प्रायोरिटी मेरा पेशेंट है रिगार्डलेस ऑफ रेस रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन रिगार्डलेस ऑफ हिस्सा एनी थिंग अगर तो वो पेशेंट है तो बस मुझे अपने आप को वफ करना है उसके तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर जो हैं वो बीमारियों से लड़ते हैं पेशेंट्स के लिए और घर जाके जो है वो आप <laughs> अपने घर वालों से लड़ते हैं कि आप उनको टाइम नहीं दे पाते कह सकते हैं आप अच्छा भाई डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनेगा जरूरी है नहीं जरूरी नहीं है मेरा बेटा मैंने आपको बताया कि वो वो आई बी ए में है ही इज़ वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी अलहमदिल्ला तो कोई जरूरी नहीं है जनरली तो वही है जो आप कह रहे हैं देखने में ऐसा ही आता है क्योंकि उसमें फिर बच्चे के लिए बड़ी आसानी हो जाती है सारी गाइडेंस उसको बाप की तरफ से मिल रही होती है तो बच्चे को कोई परेशानी नहीं आती उसमें चाहते हैं कि मतलब आपके बच्चों में से कोई एक आध डॉक्टर बने नहीं मैं नहीं मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि पर्सनल लाइफ उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है okay. अब जो मुझे ख़ुद को इतना प्रॉब्लम नहीं है लेकिन yeah. जो जिस प्रॉब्लम में मैं अपनी फैमिली को देख रहा हूँ hmm. कि वो मेरे नहीं होने की वजह से जिस तरह मुझे मिस करते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी वही लाइफ गुजारें और फिर उनकी फैमिली उनको इस तरह से मिस करें समीर आपसे बात खत्म करने का तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वैसे भी हमारी जो बात होती है उसको मुझे ख़त्म करने में अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट जो हमारी बात होती है उसको भी ख़त्म करने में मेरा दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि आप माशाला से सिर्फ हाफज कुरानी बातों में भी बहुत माहिर हैं अच्छा <laughs> तो लेकिन ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीर के आपने टाइम निकाला अपनी बिजी स्केडूल से हमारी इस पॉडकास्ट के लिए और इन शाला अगर कभी और आपके पास टाइम हुआ तो मैं दोबारा आपको इनवाइट करूंगा और दोबारा आपसे कुछ ऐसी चीज़ें जो डिस्कस करना रह गया है हम उस पर दोबारा डिस्कस करेंगे चलिए इनशाला थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करें और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगा करें अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस दिस इज द आम आदमी साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़